देश की आम जनता और देश की गरीब जनता की एक सशक्त आवाज और देश के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी आज हाथरस कांड के पीड़ितों परिवारों से मिलने के लिए गए हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करने गए हैं, उनसे मिल करके पूछने गए हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। जो काम श्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था प्रधानमंत्री होकर के, वो काम आज श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज बन रहे हैं, देश के गरीबों से मिल रहे हैं। ईश्वर न करे ये कांड कहीं किसी ऐसी जगह पर हुआ होता जहां पर और अन्य लोगों की आबादी होती और गरीब लोगों की आबादी नहीं होती, तो शायद प्रधानमंत्री जी वहां जरूर जाते। प्रधानमंत्री जी क्या हाथरस सिर्फ इसलिए नहीं गए कि मरने वाले गरीब हैं, मरने वाली महिलाएं हैं? क्या महिलाओं की जान की कीमत प्रधानमंत्री जी को नहीं है? गरीबों की जान की कीमत प्रधानमंत्री जी को नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी को हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए था? ये सारे प्रश्न जनता के मन में है। इसके साथ गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है, जल्दी उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा और हम इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या घटना किसी साजिश के तहत। देखिए, घटना साजिश के तहत हुई या नहीं हुई, शलभ माथुर जी, जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो भोले बाबा है, उसको आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? उसको आप मुख्य आरोपी क्यों नहीं बता रहे हैं? जिस आदमी ने भोले बाबा के कहने से आयोजन कराया, जिस आदमी ने भोले बाबा के कहने से एप्लीकेशन दी थी, उस आदमी को आप मुख्य आरोपी बता रहे हैं और मुख्य आरोपी को आप बचा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस हादसे पर लीपापोती करना चाहती है और इसके मुख्य आरोपियों को बचाना चाहती है। इनके मुख्य आरोपियों के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कनेक्शन है वो सामने आने चाहिए और मुख्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। अगर उनके नाम पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी और वो कार्यक्रम वो ही कर रहे थे तो ये तो और बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। शलभ माथुर जी, शासन प्रशासन को ये तक नहीं पता कि कार्यक्रम का कौन जिम्मा ले रहा है और कार्यक्रम कर कौन रहा है? अगर कार्यक्रम का जिम्मा अन्य लोग ले रहे हैं और कार्यक्रम भोले बाबा का हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये तो एक गंभीर अपराध है सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश की सरकार को तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, जिसे ये तक नहीं पता है कि कार्यक्रम कर कौन रहा है और कार्यक्रम की अनुमति कौन ले रहा है। ये तो एक बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर तो मुख्यमंत्री जी तुरंत आपको संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रभावी मंत्री है सबको बर्खास्त करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में जो 10 रिक्त द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही, क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा भी कोई तैयारियां हैं या इसमें कोई काम किया जा रहा है? सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, जुमलेबाजी, ये सारी मीडिया में वो जो उनको कहना होता है वो कहते रहते हैं। हमारी तैयारी जनता के बीच में है, हम जनता के प्रश्न उठा रहे हैं। हम चुनाव की तैयारी नहीं, हम हाथरस के हादसे पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव की तैयारी करें, हम जनता के मुद्दों पर रहेंगे। चुनाव तो जब होगा सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार रहेंगी और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगी। ये वक्त हाथरस के हादसों के लोगों पर, पीड़ितों पर, उनके घावों पर मरहम लगाने का है, चुनाव तैयारियों का नहीं।